बहुत ही कमाल के रिजल्ट आप देख सकते हो। मतलब आपको स्किन ऐसा लगेगा जैसे एकदम से सडनली बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो गई है, ग्लोइंग आपको फील होगी और निखरी हुई आपको आपकी स्किन फील होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के मौसम में एक चीज हम लोग बहुत फेस करते हैं, चिपचिपापन, पसीना बहुत ज्यादा आता है और स्किन ऐसी ऑयली ऑयली चिपचिपी सी होती जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताती हूँ जिसका अगर आप गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये स्किन बिल्कुल भी चिपचिपी भी नहीं होगी और आपको पसीना भी कम आएगा। क्या है इंग्रेडिएंट? मैं बात कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने का काम करता है। मतलब जो चिपचिपापन पसीना हमें पड़ता है उसे कंट्रोल करने के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज्यादा कारगर होती है। और जब आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अपने चेहरे पे लगाते हो ना, तो सडनली मतलब आपको लगता है कि आपकी स्किन एकदम से ब्राइट हो जाती है। और सच में मुल्तानी मिट्टी इसी तरह से काम करती है। बहुत पुराने जमाने से यूज होती आ रही है, राजा महाराजाओं के जमाने से। उस टाइम पे तो ये महंगी महंगी चीजें भी नहीं होती थी, कॉस्मेटिक्स नहीं होते थे, तो लोग अपनी स्किन को मुल्तानी मिट्टी की हेल्प से ही क्योर करते थे और उनकी स्किन भी बहुत ही अच्छी होती थी। तो मुल्तानी मिट्टी आप ऑयली स्किन वालों के लिए और ड्राई स्किन वालों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको अलग अलग तरह से फेस पैक बना करके यहाँ पे बताऊंगी। देखिए, ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है, अगर आप सही तरीके से यूज ना करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को खींच निकालती है और स्किन को ड्राई कर देती है। अब अगर ड्राई स्किन वाले इसे इस्तेमाल करेंगे तो उनकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगी। लेकिन क्या अब हम मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, फिर भी आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं जो कि आपकी स्किन को ड्राई ना होने दे और ब्राइट बनाए, ग्लोइंग बनाए, निखार जो आप चाहते हो अपने फेस पे वो आपको मिले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये मेरे हाथ में है गुलाब जल। गुलाब जल हमारी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करता है और गर्मियों के मौसम में जैसे हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। जो हमारे पोर्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा खुल गए होते हैं, तो उन्हें मिनिमाइज करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आपने किसी भी फेस वॉश जो भी आप यूज करते हैं उसकी मदद से पहले अपने चेहरे को धो लेना है और उसके बाद आपको ये गुलाब जल की मदद से अपने चेहरे को टोन भी करना है। आप गर्मियों के मौसम में गुलाब जल को एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है पता कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है और कौन सा टोनर आपके लिए बेस्ट रहेगा, वैसे तो आप गूगल कर सकते हो या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके वो चीज़ भी कर सकते हो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह की स्किन टाइप को सूट करती है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, कोई नुकसान नहीं है आपको देता है, फायदे बहुत ज़्यादा हैं अगर आप यूज़ कर लेते हो तो। तो सबसे पहले तो मैं गुलाब जल को ही एज अ टोनर अपनी स्किन पर इस्तेमाल करती हूँ एंड ट्रस्ट में कभी कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे भी बहुत पसीना आता था, धीरे धीरे से पसीना कंट्रोल होता है और आपकी स्किन फिर हैबिचुअल हो जाती है। तो यहाँ पर भी गुलाब जल मैंने ले लिया। पहले तो मैंने इस तरह से टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पर इसे लगाऊंगी, टैप टैप करते हुए, ताकि अच्छी तरह से मेरी स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाए। और जो भी अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट अपने चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसके लिए मेरी स्किन को ये प्रिपेयर कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, तो ये चीज आपको करनी है। फिर आप अच्छी तरह से अपने चेहरे को पोंछ सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह का मेकअप किया है, मेकअप करने के बाद फेस वॉश भी कर लिया है, लेकिन कई बार हमारा काजल फैला हुआ रह जाता है, तो उसे आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। जो भी आपके फेस पे डर्ट होती है ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे क्लीन करेगा। तो ये हो गया हमारा चेहरा अच्छे से क्लीन। अब इसके बाद बनाते हैं फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए देखिए, मैं आपके सामने ही यहाँ पे फेस पैक बनाती चलूंगी। क्यों? क्योंकि भाई कई बारी लोगों को लगता है कि जो हम बनाते हैं वो कुछ अलग होता है, लेकिन जो हम मतलब पहले से जो बना के रखा होता है वो अलग होता है, जो आपके सामने यूज करते हैं वो अलग होता है। इसलिए मैं आपके सामने ही बनाई जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये बाउल ले लिया चीजों को मिक्स करने के लिए, यहाँ पे ये स्पून भी ले लिया, और अब ये मेरे हाथ में है मुल्तानी मिट्टी। आपके पास जो भी ब्रांड की मुल्तानी मिट्टी है वो आपको लेनी है, ठीक है? नियर बाई मार्केट में जो भी मिलती है आप वो ले सकते हैं। एक चम्मच मैंने ले ली, एक फेस के लिए एक चम्मच काफी रहेगा। अगर आप नेक पे भी लगा रहे हो, अपने हाथों पैरों पे भी लगाना चाहते हो, सेम इसी फेस पैक को आप अपने हाथों पैरों पे भी लगा सकते हैं। अगर बहुत टैनिंग हो गई है, कालापन आपके हाथ पैरों पे जम गया है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने ले ली। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन को ड्राई कर देती है। अब चाहे स्किन ड्राई है चाहे से ऑयली है, आपको क्या इस्तेमाल करना है,
आपको इसमें डालना है शहद, जो कि बहुत जरूरी चीज है। और शहद हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। कितना कर लेना है? लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको लेना है, मैंने यहाँ पे अंदाजे से ले लिया है। ये जो फेस पैक हम बना रहे हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, पहले मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे शहद भी ले लिया है। अब इसमें जिसकी ऑयली स्किन है उसको क्या ऐड करना है? उसको ऐड करना है गुलाब जल, क्योंकि गुलाब जल आपकी स्किन से एक तो एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करने का भी काम करेगा। और शहद, देखिए कई बार हम सोच लेते हैं कि अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हमें अपनी स्किन को, मतलब वो मॉइस्चराइजर इस्तेमाल नहीं करते, और जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन का वो भी कहीं ना कहीं खोने लगता है, स्किन फिर बहुत ही ज़्यादा बेजान हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए ड्राई स्किन वाले हैं चाहे ऑयली स्किन वाले हैं, उनको शहद ऐड करना ही करना है। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल, और गुलाब जल की मदद से इसे एक अच्छा बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाएंगे। तो जितनी का जरूरत आपको महसूस होगी इसे एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाने के लिए, उतना आप इसमें सिर्फ गुलाब जल ही ऐड करोगे, बस और कुछ भी नहीं ऐड करना है। आप सोचें कि बहुत तामझाम में पड़ना है, बहुत कुछ होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, बस इतना सा ही आपको अच्छी तरह से इसे एक मतलब टाइट सा फेस पैक बना लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से ये आपकी चेहरे पे लगेगा। अच्छी तरह से हम इसे अपने चेहरे पे इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। लगभग 5-10 मिनट तक इसे लगा रहने देंगे, और फिर हल्के हाथों से इस तरीके से, मतलब आप पानी का छींटा मारोगे, फिर इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने चेहरे को वॉश कर लोगे। जितनी भी गंदगी, धूल मिट्टी या फिर ब्लैक एंड व्हाइट डेड स्किन कुछ भी आपके चेहरे पे, सब आपका रिमूव हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं रह जाएगी। फिर बनाते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए फेस पैक। तो फेस वॉश मैंने कर लिया, एंड स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, इतनी ज़्यादा ब्राइट आपको फील होगी जब आप खुद यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। ट्रस्ट मी, बहुत ही कमाल के, अमेजिंग मुल्तानी मिट्टी के रिजल्ट्स होते हैं। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपको टोनर भी ज़रूर इस्तेमाल करना है फेस वॉश के बाद। तो मैंने यहाँ पे फिर से गुलाब जल को ही एज अ टोनर इस्तेमाल किया, थोड़ा सा कॉटन में लिया और टैप टैप करते हुए इसे अपने चेहरे पर लगा लूँगी, ठीक है। इसके बाद स्किन को आपको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी कर लेना है। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ, और आप जो भी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से स्किन को पहले मॉइस्चराइज कर लेंगे, एंड इसके बाद अब बात करते हैं कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपको क्या करना है, किस तरह से मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तैयार करना है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए भी पहले तो मैंने बाउल ले लिया, चीज़ों को मिक्स करने के लिए स्पून ले ली, किसी भी ब्रांड की मुल्तानी मिट्टी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे ले लेनी है एक चम्मच के करीब। इसके बाद सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो हम लेंगे शहद। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, दोनों को आपको ये शहद तो लेना ही है। तो यहाँ पर दोबारा से 1/4 टीस्पून के जितना यहाँ पर आपको ले लेना है शहद, ठीक है। अब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपको क्या करना है, आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई ऑयल ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो ये है मेरे हाथ में ग्लिसरीन, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। जब भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, सर्दियों में मैक्सिमम चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जिनकी स्किन ऑयली भी होती है वो भी बहुत ड्राई रहने लगती है, तो मैं सर्दियों में ग्लिसरीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। नतीजा कि स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी रहती है, बच्चों से मुलायम बनी रहती है, और ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जिनकी ड्राई स्किन रहती है उनको ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून के जितना ही मैंने यहाँ पर ग्लिसरीन लिया। अब आपको इसे मिक्स करने के लिए, एक पैक बनाने के लिए दूध या फिर दही, जिन लोगों को दूध ज़्यादा सूट करता है तो कच्चा दूध अगर आप लेंगे तो और भी फायदेमंद रहेगा। बाकी अगर आप दही ज़्यादा पसंद करते हो तो आप दही ले सकते हो। मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ, एंड अब इसे एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट हम बना लेंगे। लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें दही ऐड किया, डिपेंड करता है कि आपका दही किस तरह का है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे जितना का इसका बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बन जाए उतना अगर हम दही ऐड कर लेंगे। बस पैक हमारा रेडी है, और इसे हम अप्लाई करेंगे अपने चेहरे पे। इस तरीके से आपको इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे तो मैं आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज आपको पहले अपने चेहरे को धो लेना है, क्लीन कर लेना है, फिर गुलाब जल की मदद से अच्छे से टोन कर लेना है, और फिर इसको लगा लेना है। इस तरह से लगा रहने दे जब तक ये सूखता नहीं है। फिर सूखने के बाद दोबारा से आपको पहले अपने मुंह पे पानी के छींटे मार लेने हैं, फिर हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए आप इसे धो सकते हैं। इतना टाइम नहीं है, डायरेक्टली आप इसे लगाइए और जाकर के इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने चेहरे को धो लीजिए।
तब भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। बहुत ही कमाल के रिजल्ट आप देख सकते हो, मतलब आपको स्किन ऐसा लगेगा जैसे एकदम से सडनली बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो गई है, ग्लोइंग आपको फील होगी और निखरी हुई आपको आपकी स्किन फील होगी। तो मेरी स्किन पे रिजल्ट आपको नहीं देखना है, आपको यूज करना है तभी आपको पता चलेगा। एंड फेस वॉश के बाद टोन और मॉइस्चराइज चेहरे को जरूर कर लेना है, साथ ही चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर लेना है लाइक इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए। तो आज के लिए वीडियो को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।